आसमान खुला था, चेहरा समुद्र है खुला आसमान नहीं। फिलहाल महिला की केरला बस स्टैंड नंबर 6 विक्रांत और शानदार स्कोर, कोई मौका नहीं। चलिए इस हिस्सा नागरावत के साथ जोड़ना चाहेंगे अपने टाइगर जी, टाई ब्रेक प्ले शॉट का मांगों में कहां सुनाएंगे। केरला ब्लास्टर टीम की तरफ से पहला गोल पहला की, जैसे कि जानते हैं टीम मैनेजमेंट विक्रम सोरेन एक पेनल्टी की के लिए स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा गया है, पहला की किया और गोल में तब्दील कर दिए। और केरला ब्लास्टर की गोलकीपर काफी चतुर गोलकीपर है और माधुरी एफ सी के जर्सी नंबर 14 ये है रोशन मूर्ति, अपने टीम के लिए रोशन करेंगे या अंधेरा में ले जाएंगे देखने वाली बात होगी। बहुत ही सुंदर की और दूसरा की होगी केरला ब्लास्टर के खिलाड़ियों के द्वारा, जर्सी नंबर 17 सुखलाल हेम्ब्रम। केरला ब्लास्टर टीम के खिलाड़ी शॉट किए हैं, गोल नहीं कर पाए हैं, दूसरा की बेकार जाता हुआ और दूसरा की करने के लिए माधुरी फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 करण कुमारा। गोलकीपर को कुछ करना होगा यहाँ पर, केरला ब्लास्टर के युवा गोलकीपर मैच अभी भी रोमांचक स्थिति पर, दोनों ही में एक एक मिस्टेक एक एक गोल किए हैं खिलाड़ी। यह अंतिम की रूपा मूर्ति के द्वारा केरला ब्लास्टर टीम के कप्तान जर्सी नंबर 15 अनुभव का अच्छा खासा इस्तेमाल करना चाहेंगे, रूपा मूर्ति यदि गोल कर पाएंगे तो अपने टीम को कुछ हद तक एडवांटेज दिला पाएंगे। यहाँ पर तो गजब का शॉट और गोलकीपर हमें अंतिम मैच में अंतिम शॉट में कारनामा दिखा पाएंगे तो निश्चित रूप से केरला ब्लास्टर की टीम शेष मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए गोलकीपर की चतुराई देखी अभी और माधुरी एफ सी के टीम के सबसे स्टार स्ट्राइकर जर्सी नंबर 9 ये महाराज यदि गोल करेंगे तो अपने टीम को महाराज की जगह हमराज कहलाएंगे। अभी तो महाराज किक करने के लिए किक पॉइंट पर मौजूद, देखना होगा हमारे क्या सेव कर पाएंगे केरला ब्लास्टर के युवा गोलकीपर। बहुत ही बड़ी मिस्टेक और बहुत ही बड़ी
जिस तरह से मैं कह रहा था अनुभव में कुछ करके ही दिखाया है, इसी को कहते हैं एक स्टार गोलकीपर। और अनुशासन को दर्शाते हुए देखिए रुपा मूर्ति पहले हार जीत होती रहती है, हाथ मिलाते हुए एगेंस्ट टीम के खिलाड़ियों के साथ और रेफरी महोदयों के साथ, यही एक अच्छे खिलाड़ी की नमूना होती है, यही एक अच्छे खिलाड़ी।